हाय साथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, क्लास 11 की गणित लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें आप लोगों को पिछली क्लास में हमने आपको सेट के बारे में पढ़ाया था, जो कि गणित का पहला चैप्टर है। सेट थ्योरी अर्थात समुच्चय, समुच्चय सिद्धांत है ना। तो सेट के बारे में मैंने बताया था, समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय के अवयव को कैसे लिखते हैं और समुच्चय को किस तरीके से निरूपित करते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे समुच्चय और उसका निर्माण या उसका निरूपण। ठीक, समुच्चय और उसका निरूपण अर्थात से इंग्लिश में कहते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सेटों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है अर्थात समुच्चय निरूपण की मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो इनके निरूपण की मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं। सबसे पहला अगर आप बात करी जाए तालिका या रोस्टर विधि है। सबसे पहले आती है तालिका, सबसे पहली विधि है तालिका या रोस्टर विधि, तालिका या रोस्टर विधि, तालिका या रोस्टर विधि। इसे अंग्रेजी में कहते हैं टेंगुलर मेथड, टेम्बुलर मेथड और रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि पहला है तो समुच्चय के निरूपण करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। सबसे पहली है तालिका विधि या रोस्टर विधि, दूसरा है गुण विधि या कह सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि, उसी का नाम होता है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो तालिका या रोस्टर विधि कहते किसे हैं, जरा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना साथियों, देखें इसमें किसी भी दिए गए अवयव को सेट के अंदर, जैसे मान लीजिए आपका एक सेट है, सेट के अंदर मझले कोष्टक के अंदर, जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 4 है ना, ये इस तरीके से नंबर के अंदर अर्थात जो आपका समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अवयव यहाँ लिखे हुए हैं। तो तालिका या रोस्टर विधि कहते किसे हैं, किसी भी दिए गए अवयव को, किसी भी दिए गए अवयव को कामा के अंतर्गत मझले कोष्ठक के अंदर रखने की प्रक्रिया कहलाती है तालिका या रोस्टर विधि। समझ पाए साथियों, किसी भी दिए गए समुच्चय के अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर कामा के अंतर्गत लिखने की प्रक्रिया तालिका या रोस्टर विधि कहलाती है। समझ पाए हमारी बात को, तालिका या रोस्टर विधि फिर समझ लें, किसी भी समुच्चय में दिए गए अवयवों को कामा के अंतर्गत मझले ब्रैकेट के अंदर लिखने की प्रक्रिया कहलाती है तालिका या रोस्टर विधि, है ना। जैसे अगर आपके सामने लिख दिया जाए कि सपोज करिए जैसे s इक्वल टू मैंने दे दिया मझले ब्रैकेट में a, है ना, e, यहाँ i, यहाँ पे o, यहाँ पे u, है ना, इनको तो स्मॉल a मझले ब्रैकेट के अंदर किसी भी दिए गए अवयव को कामा के अंतर्गत लिखने का जो प्रक्रम होगा वो कहलाएगा आपका क्या, तालिका या रोस्टर विधि। आगे की ओर जब हम बात करते हैं तो इसमें दूसरी विधि आप किया जाती है, दूसरी विधि होती है गुण विधि। कौन सा, गुण विधि, गुण विधि, दूसरी विधि होती है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है प्रॉपर्टी मेथड या इसी को कहते हैं बोल्टर मेथड, बोल्टर, ठीक है, फॉर्म, बोल्टर फॉर्म। तो आप हमारी बात को जरा समझने की कोशिश करें, समुच्चय निर्माण करने की दो विधियां, पहला है तालिका या रोस्टर विधि, दूसरा है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो जो समुच्चय निर्माण विधि होती है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है और ये अच्छे तरीके समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। ध्यान रखना इस विधि का नाम ही है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, अर्थात ऐसे समुच्चय के अवयव जिनमें कोई विशेष प्रकार का क्या पाया जाता हो, गुण पाया जाता हो, विशेष प्रकार का क्या पाया जाए, गुण पाया जाए। तो ऐसे अवयव या किसी भी समुच्चय के ऐसे अवयव जिसमें एक विशेष प्रकार का गुण होता है, इसे आप क्या कहते हैं,
उसे कहेंगे गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसे लिखने के लिए मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसमें एक कॉलन लाइन का यूज होता है या तो दो बिंदुओं की लाइन ऐसे यूज होता है जिसे सच दैट के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर बात करें हम साथियों, यहाँ पे आपने भी रोस्टर विधि यहाँ लिखा था, सॉरी तालिका विधि या रोस्टर विधि आपने लिखा था, यस इक्वल टू मझले ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा था ए ई आई है ना ओ और क्या यू। अगर मैं कहूँ कि ए इसी गुण विधि से लिखिए, तब आप इसे क्या लिखेंगे, तब आप इसे तो गुण विधि से लिख सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, इसमें विशेष गुण है कि नहीं बच्चा, ए ई आई ओ यू ये स्वरों का एक समूह है ना, अंग्रेजी में पाए जाने वाले स्वरों का समूह, इसी को कह सकते हैं यक्ष सच दैट है ना, यक्ष एक स्वरों का समूह है, क्या है स्वरों का समूह, बात समझ गए, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, या इसी को ऐसे लिख सकते हो यस ना, कह सकते हैं यक्ष सच दैट, देखो दो बिंदु की तरह लगा के कहते हैं सच दैट, क्या कहते हैं सच दैट, जरा समझो सच दैट, सच दैट का अर्थ होता है ऐसा है कि, ऐसा है कि, ठीक ऐसा है कि, सच दैट का अर्थ ऐसा है कि, तो इसमें क्या कर सकते हैं यक्ष सच दैट, या इस तरीके से लिखें खड़ी लाइन के द्वारा या तो दो बिंदुओं की तरह, इसको कहते हैं सच दैट, यक्ष सच दैट, यक्ष एक स्वरों, अंग्रेजी स्वरों का क्या है समूह, अंग्रेजी स्वरों का समूह है ना साथियों, अंग्रेजी स्वरों का क्या है समूह, या तो इसी को लिख सकते हैं, जानते हैं कैसे, या अगर कोई अगर और कह दिया जाए लिखने के लिए, जरा समझें, अगर मैं कोई और इसमें लिखने के लिए एग्जाम्पल कह दूं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके सामने मान लीजिए मैं लिख दूं एक, एक का लिख दूं जैसे एक दो तीन चार, अभी आपने ऐसे लिखा था नहीं ऊपर भाई, यहाँ पे लिखा था नहीं एक दो तीन चार है ना, पाँच छः सात आठ गिर गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब इसको डैश 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 एंड सो ऑन कर सकते हैं। इसमें क्या देख रहे हैं आप, क्या है यहाँ एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच क्या है धन पूर्णांक है, इसको अगर कह दिया जाए कि गुण विधि से लिखिए, तो आप लिख सकते हैं इसको ए ना, कहेंगे यक्ष सच दैट, यक्ष सच दैट, यक्ष एक क्या है भी, यहाँ भी एक दो तीन चार पाँच एक धन पूर्णांकों का समूह है, धन पूर्णांकों का समूह, धन पूर्णांकों का समूह, ठीक क्या देख रहे हैं यक्ष सच दैट, यक्ष एक धन पूर्णांकों का क्या है समूह है। तो साथियों आप समझ पाएंगे हमारी बात को कि गुण विधि क्या है और तालिका विधि क्या है। तालिका विधि में मैंने बताया, तालिका विधि या रोस्टर विधि में किसी भी दिए गए अवयव को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कामा के अंतर्गत लिखा जाता है, जबकि अगर रोस्टर विधि कह दिया जाए तो रोस्टर विधि में भी दोनों तरफ ए स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट जो आपका है ये लगता है, और इसमें भी अवयव को कामा के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन जब इसमें विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है तो इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यक्ष खड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं जिसे हम सच दैट पढ़ते हैं, यक्ष सच दैट, यक्ष एक स्वरों का समूह, भाई एक स्वरों का समूह था जैसे एक दो तीन चार पाँच, यहाँ क्या है एक दो तीन चार पाँच, हम कह सकते हैं धन पूर्णांकों का समूह है, क्या है ये धन पूर्णांकों का समूह है, ये या तो इसको लिखो या तो इसको लिखो, ये दोनों है भाई, यहाँ पे खड़ी लाइन का यूज करो चाहे दो बिंदुओं का यूज करो है ना। अब हम आगे की ओर बात करते हैं कि समुच्चयों के प्रकार के बारे में।